हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे नींबू चटका नमकीन आटे और बेसन से। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या मसाले यूज़ किए हैं। तो दोस्तों, नींबू चटका नमकीन बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच हल्दी। ये गरम मसाला है, किचन किंग है, एक्चुअली में ये किचन किंग मसाला है, आधा छोटा चम्मच। दो चुटकी हींग, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, सवा चम्मच नमक, बाकी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एक कटोरी बेसन है, एक कटोरी ही गेहूं का आटा है। आप चाहें तो गेहूं का आटा बीच में ना मिलाकर बेसन से ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरीके से ही बनाना पसंद है, आटा और बेसन मिक्स करके, तो मैं इसलिए दोनों बराबर ले रही हूँ। दो चम्मच नींबू का रस है और दो चम्मच ही ऑयल है मोयन के लिए, और एक चुटकी हमें बेकिंग पाउडर चाहिएगा, और इसके अलावा फ्राइंग के लिए जो ऑयल लगेगा बस वो, और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसन, आटा और जो ये हमारे मसाले हैं ये इसी में डाल लेंगे। और चुटकी भर बेकिंग पाउडर, मोयन के लिए तेल, और नींबू का रस, और अब इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले ये बहुत खट्टी बनती है और चटपटी भी, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और अब हम इसमें पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो मैंने इसका सॉफ्ट सा डो लगा लिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद हम इससे अपनी नमकीन बनाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम ये जो हमारे पास सांचा है इसमें इसको डालेंगे, अपना ये जो हमने आटा बनाया है। तो उससे पहले इसको अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से ताकि आटा चिपके ना। और इस तरीके से सांचे में ये जो जाली हैं दो तरह की हैं, आप चाहे तो बारीक चाहे तो ये थोड़ी मोटी वाली, दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये मोटी वाली यूज़ कर रही हूँ। इसको भी ऑयल लगा लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से और सांचे में इस तरीके से डाल देंगे। और अब ये जो हमने डो बनाया हुआ है और इस डो को अब हम इस सांचे में भर देंगे। अच्छे से, पूरा मत भरिएगा, आधा ही भरिएगा वरना फिर मशीन चलेगी नहीं। और इस पर भी मैंने ऑयल लगा लिया है और इसको बंद कर दें। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो बबल आ रहे हैं और ये फ्राई होने लगा है, तो इट मीन्स कि ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। तो
अब ये एक बार में जितने आ गए हैं उतने मैंने इसमें तोड़ के डाल दिए हैं, और बाकी के हम मशीन को वापस भरेंगे और फिर से निकालेंगे, तब तक इन्हें फ्राई होने देते हैं। तो ये जो हो गई हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ और फिर दोबारा एक बार और डालते हैं। तो ऐसे ही अभी ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनको भी तोड़ तोड़ के डाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जितना भी आटा लगाया था उसमें से ये एक बड़ी सारी प्लेट भर के हमारे नींबू चटका नमकीन तैयार है। और अभी ये थोड़ी गर्म है तो हल्का सा ठंडी होती है, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। तो दोस्तों मैंने इनको तोड़ लिया है और पेपर पे रखने से सारा ऑयल भी निकल गया, और देखिए कितने क्रिस्पी और करारे हैं ये देखिए। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो नींबू चटका नमकीन बनाने का, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।